नेड़े हटो 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 नेड़े। हाँ चार इंच चार इंच वाला एक नंबर से तू एक सामने। सो ही व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है मैंडरिन। तो अब यार ये वाला जो गेम प्ले है ये कतई जहर मैच जाने वाला है। अब ऐसा मैं बहुत ही कम बोलता हूँ यार कि ये मैच कतई जहर जाने वाला है, और अगर मैं किसी मैच में बोलता हूँ ना तो मतलब सच में वो मैच कतई जहर जाता है। तो अब तैयार रहो मतलब इस जहरीले मैच के लिए, अपने हेडफोन्स यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि मैंने इस वीडियो को पूरा चेक किया नहीं है, और अगर कुछ अपशब्द निकल जाए मेरे टीममेट के मुँह से तो मैं नहीं चाहता किसी को घर पर गाली खाना पड़े मेरे कारण। और हाँ, इसमें तुम्हारे भाई की भी आवाज रिकॉर्ड हुई, तो मतलब एकदम ही सोने पे सुहागा वाली बात है यार। अबे यार वेरोस पे बंदे ना। तो अब जब मैं इन भाई को मतलब दो हेडशॉट चिपकाता हूँ तब मेरे को लग रहा था कि यार ये बंदा ऑफलाइन खड़ा हुआ है, मतलब मारने में मज़ा ही टाइप आ जाएगा। पर हाँ मज़ा तो आया भाई, मतलब बहुत ही मज़ा है। फिर जब जैसे ही हमारे ये भाई नॉक होते हैं भाई, भाई में अचानक से जान आ जाती है, और भाई जॉर्जपुर की लूट तो मतलब कतई जहरीली टाइप से हो रखी है। बेचारा निहत्ता बंदा भाग रहा था यहाँ पर, बेचारे को गन नहीं मिली, समझ सकता हूँ उसको कैसा लग रहा होगा। वो भी क्या ज़माना था यार, मतलब जब जॉर्जपुर में फटे हाल तक गन मिलती थी। और अभी आप लोग थोड़ी देर में धूम 424 का ट्रेलर देखने वाले हो जिसमें लीड तुम्हारा भाई करेगा। अबे मतलब उस भाई के अंदर कतई टैणे नैणे वाला गाना बज रहा था अंदर। अबे एक तो मारने दे तू। वो भाई मतलब ये जो मैंने चिल्लाया ना यहाँ पर, अब असल में ना ये चीज़ देख के ना मेरे सीधे दिल पे दौरा पड़ता है, क्योंकि भाई मैं इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया रहता हूँ जब ये बाइक से जा रहा था, और मेरे को लगा भाई ये बंदा निकल जाएगा, मगर नहीं, ये बंदा रुक जाता एक बॉट को पेलने के चक्कर में। शायद से वो बॉट नहीं था, एक बंदा था। तो अब खैर यहाँ पर उस बंदे की किल तो मेरे को मिल जाती है, और यहाँ पर ये किल मेरा टीममेट छुरा लेता है। तो अब अगर यहाँ पर बैकग्राउंड में मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी, गेम वाली वॉइस, तो सॉरी यार, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बाद में मैं उसको ठीक ज़रूर कर दूंगा, मतलब अगर आगे किसी ऐसे वीडियो में हुआ तो। और अगर किसी बंदे को मेरी वीडियो में कुछ अलग लग रहा होगा ना, मतलब मेरी सस्ती कमेंट्री से ज़्यादा अलग कुछ लग रहा होगा ना, तो वो ये चीज़ है कि हाँ, मैंने अपना बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर दिया। मतलब फाइनली यार, मतलब फाइनली महीनों से मैं एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक पे जी रहा था, और आज मैंने म्यूजिक चेंज कर डाला। तो अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे काफ़ी टीममेट्स नाराज थे यहाँ पर मेरे से कि भाई गाना चेंज कर यार, वही गाना सुने मज़ा नहीं आता यार, फीलिंग टाइप नहीं आती, गाना चेंज कर। तो लो भाई गाना चेंज। तो अब यहाँ पर तुम्हारे भाई की किस्मत कुछ ज़्यादा ही चमकीली रहती है इस बार जॉर्ज पुल में, और क्योंकि इसलिए मतलब क्योंकि तुम्हारे भाई को दो दो प्लेयर मिल जाती है, और प्लेयर देख के कुछ लालची बंदे ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे अच्छा ही किया यार उन लोगों आगे, किल बढ़ गई हमारी। तो अब यहाँ पर ये चीज़ सुन के ना भाई, सही में बता रहा हूँ, मेरे टीममेट को एक लाफा मारने का मन कर रहा था, डैमेज उसका था एक गोली का बचा था। हाँ भाई बहुत सही, अब मैं यहाँ पर अपने नशेड़ी टीममेट को यहाँ पर रिवाइव दे रहा था कि तभी दूसरी स्क्वाड आ जाती है, मतलब आती नहीं है, बस दूर से फायर करती है। तो अब ये वाले भाई हमारे उसी स्क्वाड के रहते हैं जिस स्क्वाड ने दूर से मेरा एक बंदा नॉक किया था।
पीछे 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 से एक जाना फिर अंदर आ गया। तो अब इस वाली स्क्वाड को निपटाने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, हम आराम से इस वाले स्क्वाड का वाइपआउट कर देते हैं। हम क्या मैं ही करता हूँ वाइपआउट। तो अब हम लोग यहाँ पर जॉर्ज पुल से निकलने वाले थे कि तभी एक बंदा वापस से उन्हीं कंटेनरों से फायर करता है। सामने वाले तो अब वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा मिलता है और पता नहीं उसके बाकी की टीम कहाँ फूकने निकल गए थे। तो खैर छोड़ो उस जॉर्ज पुल वाले बातों को, अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर एक फ्लेयर के पीछे जा रहे थे, मगर तभी पानी वाले जगहों से फायर होने चालू हो जाते हैं। मतलब पानी वाले शहर से पानी वाले शहर से फायर होना चालू हो जाता है। नेड़े एक नंबर बंदा था। नेड़े हटो 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 नेड़े। तो अब यार ये वाली जो स्क्वाड थी ये बड़ी अजीब सी स्क्वाड थी। अब अजीब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही घर पे दो बंदे बैठे पड़े और हम लोग यहाँ पर शायद से ओपन से आ रहे थे और उन लोगों ने एक भी नॉक नहीं किया। शायद से वो हमें पूरा वाइपआउट कर देते हैं यहाँ पर, मगर किस्मत ज़्यादा हमारी अच्छी थी। तो अब वो घर वाले दो बंदे तो आराम से नॉक पड़े थे, पर जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को शेक पे एक बंदा भागता हुआ दिखाई देता है। पर जैसे ही मैं उस पर फायर करता हूँ तो मेरे को साइड से एक दूसरा बंदा मारने की कोशिश करता है। और भाई अच्छी किस्मत थी यार यहाँ पर, मतलब ड्रॉप शॉट ने बचा लिया यहाँ पर मेरे को। इसलिए भाई ड्रॉप शॉट भाई मतलब कतई जहरीली चीज है। भाई ये भूल गए थे सांपों के देवता है। तब जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं पहले तो हमें सिर्फ एक ही सांप दिखाई देता है, और फिर जब मैं यहाँ पर गाड़ी से उतरता हूँ तो मेरे को एक ड्रॉप के बगल में दूसरा सांप दिखाई देता है और तीसरा बंदा पेड़ के पीछे छुपा हुआ था जिसको मेरा टीममेट खा जाता है। मतलब कई जमानों से ये लोग यहाँ पर लेटे पड़े थे। पहले तो मेरे को मतलब यहाँ लग रहा था कि यार इन सांपों के बीच हम फंस ही जाएंगे, मगर बच गए कैसे भी। खतरनाक सांप था। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सांप के पास थी M249 और अगर ये चढ़ा देते ना 100 की 100 गोलियां तो मतलब पेटी क्या, मतलब 10-15 पेटी तो मेरी यही बन जाती। तो अब मैं बस यहाँ पर थोड़ी ही देर के लिए अपने टीममेट से दूर आ जाता और बस ये होता है उनके साथ। तो अब ये चीज़ देख के ना मतलब भाई दिल में दोबारा से दौरा पड़ता है। अब मैं मतलब अपने जान पे खेल के अपने इमोशंस को बचा के यहाँ तक गाड़ी में आया, मतलब कि सोच रहा था यार एक किल तो मिलेगा यहाँ पर आके, कम से कम अपने टीममेट्स को बचाऊंगा, मगर यहाँ पर मेरा टीममेट वाइप आउट कर देता है।
तो अब यहाँ पर कुल मिला के सिर्फ दो बंदे बच रखे थे और दोनों को ढूंढने की प्रक्रिया अब यहाँ पर चालू हो चुकी है। सी मैच में तीसरे बार दिल का दौरा। मतलब यार तीसरे बार दौरा मेरे को तब जाके पड़ता है जब मेरा टीममेट एक और किल कर जाता है वहां पर, और चौथा दौरा पड़ने से वैसे मैं बच जाता हूँ क्योंकि आखिरी किल मेरे को मिल जाती है। वैसे मेरे को लग नहीं रहता कि ये किल मेरे को मिलेगी, पर भाई क्या ही कर। तो यार अब ये सब छोड़ो, मतलब मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई सब के सब लाइक ठोक के जाना। मतलब मैं वैसे भी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि लाइक करो, और आज बोल रहा हूँ यार, मतलब तो लाइक ठोक ही दो आज मेरे लिए ना सही, तो उस सांप के परिवार के लिए ठोक दो, क्या पता अगले मैच में सांप ना बने।